ऑफ सस्केचवन में दोस्तों मैं आ चुका हूँ। सुबह के ऑलमोस्ट 11 बज रहे हैं। आज वेदर थोड़ा सा ठंडा है, क्लाउडी लग रहा है थोड़ा सा, समर टाइम है और आज सैटरडे भी है। सो यूनिवर्सिटी में काफ़ी ज़्यादा लोग नहीं दिख रहे, स्टूडेंट और स्टाफ यहाँ पर नहीं है आज। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ का माहौल काफ़ी डिफरेंट है और यहाँ की जो बिल्डिंग्स है वो एकदम मतलब ओल्ड डिज़ाइन पे बेस्ड लग रही है। और विंडोज़ यहाँ की देखो तो काफ़ी अच्छी लग रही है, मतलब ओल्ड डिज़ाइन और मॉडर्न डिज़ाइन का कॉम्बिनेशन लग रहा है। और कैंपस जो है काफ़ी ह्यूज है, सो क्वाइट काफ़ी है यहाँ पर। जैसे इंडिया में अगर आप देखो कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है, मान लो कि IIT NIT है, उसके जैसा फीलिंग आ रहा है थोड़ा सा अगर आप पढ़ने आओ तो यहाँ पर। उसके अलावा दोस्तों यहाँ का कैंपस मुझे काफ़ी पसंद आया है। सो अगर आप यहाँ पर पढ़ने नहीं भी आ रहे हो बट सस्केचवन में हो, सो मैं रिकमेंड करूँगा कि एक बार आके आप यहाँ पर घूम सकते हो। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, फीलिंग अच्छी आ रही है कि आप यहाँ पर वॉक कर सकते हो। बिल्डिंग्स काफ़ी अच्छे हैं और माहौल काफ़ी एक मतलब अच्छा फीलिंग आ रहा है। और ग्रीनरी तो है ही कैंपस में बहुत ज़्यादा। और मेरे पीछे जो आप ब्लॉक देख रहे हो ये पूरा साइंस ब्लॉक है और यहाँ पर रिसर्च होता रहता है। सो मेनली ये यूनिवर्सिटी रिसर्च के लिए बहुत ज़्यादा जानी जाती है, बहुत ज़्यादा नाम है उसका। मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो भी बनाया है यूनिवर्सिटी ऑफ सस्केचवन के ऊपर, आप लोगों ने उसको बहुत लाइक किया है। सो आज स्पेशली मैं यहाँ पर देखने आया हूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ सस्केचवन में कैसा फीलिंग आता है, स्टूडेंट अगर यहाँ पर स्टडी करने आए तो माहौल कैसा है यहाँ पर, कौन से ब्लॉक्स हैं, बिल्डिंग्स की डिज़ाइन कैसी है। सो ये ओवरऑल सारी चीज़ें हैं। मैं आगे भी थोड़ा वॉक लेके आपको दिखाता हूँ कि कैसा है व्यू यूनिवर्सिटी ऑफ सस्केचवन का। दोस्तों हम आ चुके हैं एग्रीकल्चर एंड बायो रिसोर्सेज बिल्डिंग के अंदर। माहौल काफ़ी अच्छा है यहाँ का। सो चलो आपको मैं टूर देता हूँ दोस्तों। सैटरडे है, यहाँ पर कोई इंसान तो नहीं दिख रहा है, ना स्टाफ दिख रहा है, ना स्टूडेंट्स दिख रहा है, बट यहाँ पर ये मुझे मिल गया है। जैसे कि मैंने बताया एग्रीकल्चर एंड बायो रिसोर्सेज बिल्डिंग के अंदर हूँ। मैं ट्राई करूँगा तो पूरा टूर दे सकूँ आपको, जितना हो सके उतना इसके साथ मिलकर मैं आपको टूर देने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। एग्रीकल्चर बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग बिल्डिंग बोथ आर कनेक्टेड ओवर हियर। सो एग्रीकल्चर बिल्डिंग हमने खत्म कर लिया, अब मैं इंजीनियरिंग बिल्डिंग की ओर जा रहा हूँ। सो आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या है इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स में। इंजीनियरिंग बिल्डिंग के एग्जिट पे बैठा हूँ दोस्तों मैं। आज सैटरडे होने की वजह से इंजीनियरिंग बिल्डिंग का जितना भी लैब्स है वो सारा बंद है, इसलिए मैं कवर नहीं कर पाया ज़्यादा आज। बट अब दूसरे डिपार्टमेंट में चल के देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं दोस्तों। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैं वेटरनरी साइंस डिपार्टमेंट में आ चुका हूँ। जो एनिमल साइंस की स्टडी करना चाहते हैं जो लोग, वो यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी में रहता है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट तो एक कॉमन डिपार्टमेंट है, बट अगर किसी को वेटरनरी में स्टडी करना है, जैसे कि आज के ज़माने में पैट रखना काफ़ी कॉमन हो चुका है, तो उसके ऊपर भी बहुत सारे लोग स्टडी करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर एक डिपार्टमेंट है, उसके साथ एनिमल का क्लिनिंग भी अटैच्ड है। जो स्टूडेंट यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं उनको स्टडी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिल जाएगा और जो पब्लिक है उनको हेल्प भी मिल जाएगी। तो दोनों तरह का चीज़ें यहाँ पर चलती है दोस्तों। दोस्तों
हॉर्टिकल्चर बिल्डिंग के पास मैं आ चुका हूँ। अभी अभी मैं एग्रीकल्चर बिल्डिंग के पास था, अभी हॉर्टिकल्चर बिल्डिंग के पास हूँ। एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर के बीच का डिफरेंस क्या है आप लोग गूगल करके थोड़ा देख लीजिए दोस्तों। ये जो ब्रांच है हॉर्टिकल्चर की स्टडी, शायद ऑल अक्रॉस कैनेडा में बहुत सारी जगह पर अवेलेबल नहीं है। सो अगर आपको इंटरेस्ट होता है उसमें, सो यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ सस्केचुअन जो काफ़ी ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, काफ़ी ज़्यादा नाम है सस्केचुअन में उसका, सो आप यहाँ पर स्टडी करने आ सकते हो दोस्तों। जैसा कि हर यूनिवर्सिटी में होता है दोस्तों, ये है यूनिवर्सिटी ऑफ सस्केचुअन का एडमिन बिल्डिंग। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग एनीथिंग इन द यूनिवर्सिटी ऑफ सस्केचुअन, यू कैन कॉन्टैक्ट देम एंड दे विल हेल्प यू। पास खड़ा हूँ, यहाँ पर आजू बाजू बहुत सारे हॉल्स एंड ऑडिटोरियम से यूनिवर्सिटी ऑफ सस्केचुअन के, यहाँ पर जितने भी फंक्शंस या वगैरह जो भी होते होंगे शायद इन्हीं हॉल्स या ऑडिटोरियम्स में होते होंगे। और यहाँ पर आगे एक बस स्टॉप भी है, वहाँ पर बहुत सारी बसेस आती है। सो ये सारा मतलब हॉल्स है ऑडिटोरियम से यूनिवर्सिटी ऑफ सस्केचुअन का। दोस्तों अभी ठंड भी ज़्यादा बढ़ रही है, मैंने अपना जैकेट पहन लिया है, सो मैं ट्राई करूँगा एज मच एज पॉसिबल जितना कवर हो सके, बिकॉज मुझे ये रजाइना वापस भी जाना है यहाँ से। सो कोशिश करूँगा कि पूरा मैं कवर कर पाऊँ, अगर ना कर पाऊँ मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया हुआ है इसके ऊपर, सो आप वो देख सकते हो या फिर गूगल पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। बट मैंने जितने भी यहाँ के यूनिक फीचर्स है वो कवर करने की कोशिश की है ऑलरेडी दोस्तों इस बिल्डिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं स्टूडेंट की हेल्प के लिए। स्टूडेंट यूनियन है जो स्टडी अब्रोड से स्टडी करने आए हैं उनके लिए सेंटर्स है, यहाँ पर कैंपस डेंटिस्ट है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए हेल्प सेंटर्स है, और यहाँ पर एक मेन बस स्टेशन है दोस्तों। यहाँ पर जो सास्केटून का ट्रांजिट है वो यहाँ पर बसेस है, ये बसेस की फैसिलिटी आप यहाँ पर ले सकते हो दोस्तों। सो मेन बस तो आप बोल सकते हैं, यहाँ का बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ उतरने को प्रेफर करते हैं। दोस्तों मेन बिल्डिंग के अंदर मैं आ चुका हूँ, जहाँ पर मैंने आपको बस स्टॉप दिखाया उसी के सामने है ये बिल्डिंग। अंदर आने पर आपको स्टूडेंट यूनियन यूनिवर्सिटी ऑफ सस्केचुअन का जो स्टूडेंट यूनियन है वो मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी स्टूडेंट्स के रिलेटेड। जैसे कि मैंने आपको अभी ट्रांजिट सिस्टम दिखाया यहाँ का, स्टूडेंट्स के लिए प्राइस यहाँ पर मिल जाएगी आपको, काफ़ी ज़्यादा व्यू होती है प्राइस स्टूडेंट्स के लिए। सो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्टूडेंट यूनिट पर मिल जाएगी। ये है यहाँ का ट्रांजिट पास का होर्डिंग भी यहाँ पर लगा हुआ है, सो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो दोस्तों। मैं बैठा हुआ हूँ अभी, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पेसियस है, बहुत सारी शॉप्स अवेलेबल है, आपको यहाँ पर नाश्ता पानी चाय सब मिल जाएगा, पास्ता और पिज़्ज़ा भी अवेलेबल है यहाँ पर दोस्तों। और जैसे कि आप लोग देख सकते हो अभी पीछे सैटरडे होने की वजह से सारी शॉप्स अभी बंद है, सो मैं देखता हूँ यहाँ पर क्या मिलता है मुझे। बट यहाँ पर बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, अगर आप अपना चार्जर भूल गए हो घर पर सो डोंट वरी बी हैप्पी, यहाँ पर चार्जिंग स्टेशन है, वहाँ पर मैंने भी अपना फ़ोन चार्जिंग में लगाया हुआ है, सो ये फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है। उसके अलावा दोस्तों मैं देख सकता हूँ कि कैंपस डेंटिस्ट यहाँ पर अवेलेबल है और कैंपस विजन यहाँ पर अवेलेबल है। बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं, उनका कवरेज होता है, सो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है विजन के रिलेटेड या फिर डेंटिस्ट के रिलेटेड, आप डेंटिस्ट यहाँ के जो फैसिलिटीज़ है उसका यूज़ कर सकते हो। आप उनको कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक कीजिए और यहाँ पर आके अपना ये फैसिलिटीज़ का आप लाभ ले सकते हो।
तो दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ सस्केचवन का मेरा टूर यहीं पे ख़त्म होता है। यूनिवर्सिटी काफ़ी बड़ी होने की वजह से मैं पूरा कवर नहीं कर पाऊँगा। मेरे पास यहाँ पर सिर्फ एक दिन था सास्कैटून घूमने के लिए, मुझे यहाँ पर बहुत सारा दूसरा काम भी था, एक दो लोगों से मिलना भी था, सो पॉसिबल नहीं हो पाएगा हर डिपार्टमेंट को एक्सप्लोर करना। काफ़ी बड़ी है यूनिवर्सिटी, मैंने पहले भी उसके ऊपर एक वीडियो बनाया है। अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो वो वीडियो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि वो वीडियो आप ज़रूर देखें दोस्तों। इसके अलावा तो अभी इस वीडियो में जितने जितने डिपार्टमेंट मुझसे हो सके वो मैंने कवर किया है दोस्तों। सो बस आज के लिए इतना ही। मैं डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम अगेन यहाँ पर एक विजिट लेने की ट्राई करूँगा। सो बने रहिए मेरे साथ राम्स लाइफ चैनल पर दोस्तों। बाय बाय।